नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो आज RSMSSB की तरफ से अपडेट्स आई है। दोस्तों, आज RSMSSB ने एक प्रेस नोट जारी किया है। 3 अक्टूबर की डेट है जो RSMSSB की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आया है दोस्तों, जो सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड है। तो दोस्तों, अपन चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर एंड देखते हैं जो नोटिस आया है एंड उसके अंदर क्या डिटेल्स है। आप सभी को मैं बताता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पर चल के। एंड दोस्तों, अपन जैसे ही RSMSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, www.rsmssb.rajasthan.gov.in, इस वेबसाइट पर आना है और उसके बाद अपन को जो प्रेस नोट वाला ऑप्शन है उसके अंदर अपन जाकर देखेंगे। तो आप देख सकते हैं आज की डेट है इसके अंदर 3 अक्टूबर 2018। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की डेट के अंदर बता रखा है तो जिसके अंदर है कि IA टाइपिंग टेस्ट एग्जाम 2018 एंट्री डिटेल्स एंड कंट्रोल रूम डिटेल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे इस लिंक ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके पास एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो जिसके अंदर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो इन्फॉर्मेशन आ रखी है, जिनका भी सूचना सहायक भर्ती का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था एंड जो एग्ज़ाम के अंदर पास हो चुके हैं एंड उनका जो टाइपिंग टेस्ट है आप सभी को मैं बता चुका हूं एंड इसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं एंड इसकी जो 5 अक्टूबर का इसका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है एंड जो आपकी सिटी रहेगी जयपुर के अंदर इसका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल प्रेस नोट आ रखा है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से दिनांक इसके अंदर आज की है 3 अक्टूबर 2018। विज्ञप्ति में बता रखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लिए सूचना सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु टंकण परीक्षा यानी जो टाइपिंग टेस्ट के लिए सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर, ठीक है, 5/10/2018 को शुक्रवार को टंकण गति परीक्षा का आयोजन जयपुर शहर में निर्धारित किए गए केंद्रों पर किया जाएगा। तो जयपुर के अंदर ही आपके जो सेंटर आ रखे हैं आप सभी देख लीजिएगा, एडमिट कार्ड आ चुके हैं जिसके बारे में आप सभी को बता चुका हूँ। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आ चुके हैं, जो आपको परीक्षा केंद्र भी बता दिया गया है। जयपुर के अंदर आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, जो प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। ठीक है, और जो प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र पर अंकित रिपोर्टिंग टाइम पर अपनी उपस्थिति केंद्र पर दे देवे। ठीक है, रिपोर्टिंग के 1 घंटे की अवधि तक ही परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार आपकी टाइपिंग रहेगी, जिनका फर्स्ट पारी में एग्ज़ाम है, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो उनका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आपका 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 8 बजे से 9 बजे तक आपका प्रवेश रहेगा एंट्री का टाइम। ठीक है, जो आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी 9:30 से 10:05 तक, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं उनका टाइमिंग रहेगा एग्ज़ाम होने का एंड आपका रिपोर्टिंग का टाइम रहेगा 8 से 9 बजे एंड जो सेकंड शिफ्ट है उनका जो टाइमिंग रहेगा रिपोर्टिंग का 10:30 से 11:30 बजे एंड 12 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो जो रिपोर्टिंग का टाइम है उसी टाइम पर आपको पहुँच जाना है, अगर लेट हो गए तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो सेकेंड शिफ्ट वालों का 12 से 12:35 पर आपका एग्ज़ाम रहेगा एंड जो थर्ड शिफ्ट वाले हैं, जो तृतीय पारी का है, जिनका 1 बजे से स्टार्ट होगा, तो 1 बजे से 2 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, जो आपका एंट्री टाइम रहेगा एंड जो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 2:30 से 3:05 तक चलेगा एंड जो लास्ट पारी है, फोर्थ शिफ्ट वाला है, चतुर्थ पारी वाले, उनका जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 3:30 से 4:30 बजे तक का एंड जो आपका टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी 5 बजे से लेकर 5:35 तक। ठीक दोस्तों, तो ये टाइमिंग रहेगा आप सभी का, देख सकते हैं जो रिपोर्टिंग का। ठीक है, तो इसीलिए जो RSMSSB ने आज प्रेस नोट जारी किया है ताकि आप सभी कोई गलती नहीं करें, सभी टाइम पर पहुँचें एंड अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो जो RSMSSB के ये ऑफिशियल नंबर है यहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आप सभी का सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा। ठीक दोस्तों, तो देख लीजिएगा दोस्तों, ये आप सभी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी जो RSMSSB की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट्स आ रखी है।